नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आप सभी एमकॉम प्रीवियस के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम कैपिटल बस्टिंग से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है उसका पार्ट 5 अध्ययन करेंगे, जिसमें जब कैश इनफ्लोज जो हैं वो अनइक्वल हों और IRR जो मेथड है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें रोकड़ अंतर प्रवाह जब असमान होते हैं तो हम किस तरीके से IRR का कैलकुलेशन करते हैं, ये अपनी को देखना है। तो जब समान अंतर रोकड़ अंतर प्रवाह होते हैं तब तो अपन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है वो सीधा अपन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल देते हैं, उसके नज़दीक वाली अपने दर का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि बराबर नहीं होते हैं इसलिए हमें एवरेज कैश इनफ्लोज का भाग अपन देते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, और ये जो एवरेज इन्वेस्टमेंट जो होता है इनिशियल जो एनुअल कैश इन्फ्लोज होते हैं उनका एवरेज करके फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट में भाग दे देते हैं, यानी IAC करते हैं, तो एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आता है। ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आता है इस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बिल्कुल निकट की एक संचयी सारणी में उतने एन वर्षों के लिए, यानी जो उसकी इकोनॉमिक लाइफ है किसी प्रोजेक्ट की उसके एन वर्षों से संबंधित जो मान है संचयी सारणी में वो हम मोटे तौर पर दर का निर्धारण कर लेंगे देख करके। ये जो दर है जो भी उस संचयी सारणी में एन वर्षों के लिए आएगी उस दर पर अलग अलग वर्षों के लिए वर्तमान मूल्य उनके अलग अलग कैश इनफ्लोज को अलग अलग कारक से गुणा कर ज्ञात कर लेते हैं हम। यदि यानी यहाँ कहने का अभिप्राय ये हुआ कि उस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो अपन ने कैलकुलेट किया उसके नीचे अंदर जो संचयी सारणी मान है उससे जो रेट आती है वो जो रेट है उस वर्षों से संबंधित उस रेट का निर्धारण कर देंगे, और उस रेट के हिसाब से जो है दूसरी सारणी अपन लेंगे उस रेट वाली, उस रेट के ऊपर अपना अलग अलग वर्तमान मूल्य जो चूंकि अलग अलग वर्षों के दिए हुए होते हैं इसलिए अलग अलग कारक से हम उसको गुणा कर करके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि हमें अलग अलग वर्षों की अलग अलग निकालना है, किसी संचयी मूल्य से गुणा नहीं करना है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से तो अपने एक मोटे तौर पर एक रेट का निर्धारण किया, उस रेट को अपन को बेस लेते हुए अलग अलग वर्षों का अपन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से गुणा करके अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और उसका जोड़ कर लेंगे। ये जो प्रेजेंट वैल्यू का जोड़ है यदि इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आता है यानी इक्वल आता है तब तो कोई बात ही नहीं है, वो इधर IRR हो जाएगी। वो तालिका में देख लेंगे कि भाई प्रेजेंट वैल्यू है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी तो ये इधर IRR हो जाएगी। लेकिन यदि इस प्रकार से ज्ञात वर्तमान मूल्य प्रारंभिक विनियोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट से अधिक आते हैं यानी प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन आई, तो फिर चूंकि प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आ गई उस रेट के ऊपर तो हम अपेक्षाकृत हायर रेट को अपना लेंगे और उससे ऊंची दर पर अपन इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से गुणा करके और फिर अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उनका जोड़ कर लेंगे। तो इस प्रकार से जोड़ करने पर प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हायर रेट के ऊपर इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आएगा प्रेजेंट वैल्यू का जोड़। इस तरीके से यदि इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कम आएगा प्रेजेंट वैल्यू का जोड़ यानी हायर रेट से कम आएगा तो हम अपेक्षाकृत निम्न दर से PV ज्ञात करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करेंगे। अंत में हमें ये दो दरें ज्ञात हो जाएंगी जिससे एक दर से तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आता है और एक दर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट से प्रेजेंट वैल्यू कम आता है। तो SDR तो वो है जहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कम आएगा, और LDR वो होगी जहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आएगा।
और IRR इन दो के मध्य कहीं होगा। तो जैसे अपना ये स्टेप फोर्थ अपन जब अप्लाई करेंगे, यानी पहला स्टेप आपने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला आई अपॉन एवरेज कैश इनफ्लोज से। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के बाद दूसरा स्टेप ये हुआ कि अपने को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के ऊपर अपने रेट का निर्धारण कर लिया संचयी सारणी से, और उस रेट को बेस बनाते हुए अपने एन वर्षों के लिए अलग अलग सालों की फैक्टर को आपसे उन्होंने अपना मल्टीप्लाई किया, जिससे अलग अलग वर्षों की मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ कर लिया, और यदि ये जोड़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है तो वही रेट हमारी IRR हो जाएगी। स्टेप थर्ड में क्या है कि यदि प्रेजेंट वैल्यू जो कैलकुलेट किया वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आता है तो हम अपेक्षाकृत हायर रेट को बेस बना करके फिर अलग अलग वर्षों की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और उनका जोड़ कर लेंगे। यदि इस तरीके से करने पर जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कम आ जाएगा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों दरों के बीच में, यानी जिस दर पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आया वो हायर रेट थी, और जो लोअर रेट थी, और जिस रेट पर प्रेजेंट वैल्यू कम आया वो हायर रेट थी, और इस तरीके से इन दोनों के बीच में, यानी लोअर रेट और हायर रेट के बीच में कहीं IRR स्थित होगा। ये स्टेप फोर्थ में अपन एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें IRR इजिकल टू LDR प्लस P1 माइनस Q, P1 माइनस P2, और वो तो सेम फॉर्मूला है जिस हिसाब से अपने पिछले जब इक्वल कैश इनफ्लोज के अंदर देखा था, तो उसके अंदर वही बात है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, LDR मतलब लोअर डिस्काउंट रेट है, फिर P1 माइनस Q, P1 का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर डिस्काउंट रेट, P2 प्रेजेंट वैल्यू एट हायर डिस्काउंट रेट, और Q इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और फिर SDR और LDR का माइनस करते हैं तब ये आ जाता है। अब हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को अपन देख करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। ये सामने आपके ये एक एग्जाम्पल है जिसमें बताया गया था कि हर साल का इन्वेस्टमेंट अलग अलग दिया हुआ है, 8,000, 7,000, 6,000 इसके कैश इनफ्लोज हैं और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 16,200 रुपये है। तो हमारी फर्स्ट स्टेप अपन अगर लेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है वो निकालेंगे हम 16,200 में एवरेज इन्वेस्टमेंट, यानी 7,000 का एवरेज कैश इनफ्लोज का भाग दे करके, तो 2.314 आएगा। ये 2.314 जो आएगा ये नियरेस्ट जो वैल्यू अपन देख लेंगे संचयी सारणी में, यानी 3 वर्ष की प्रोजेक्ट है तो 3 साल के अंदर कौन सी रेट इसके नज़दीक आती है, तो जो नज़दीक वाली जो रेट है वो हमारी आती है जैसे 14% है, वो 3132 इसके नज़दीक है, तो इसका मतलब 14% है वो बेस हुई। अब 14% को बेस लेते हुए अलग अलग सालों की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको अपन कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। और इस सेकंड स्टेप में हमने अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हैं उनसे इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा टोटल प्रेजेंट वैल्यू आया 16,455 रुपये। 16,455 रुपये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा 16,200 है, इसका मतलब 255 रुपये ज़्यादा आ रहा है। तो ज़्यादा आ रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ये इसका जो है वो मूल्य 255 रुपये ज़्यादा आया, तो नेक्स्ट स्टेप अपन ये लेंगे कि इससे हायर रेट को अपन बेस लेंगे। इसकी हायर रेट 15 है, 15 की जो हायर रेट है उसके ऊपर हम अलग अलग सालों की जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 16,195 रुपये आती है, ये 16,200 से 5 रुपये कम आती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 16,200 रुपये का इन्वेस्टमेंट था उसकी इस रेट के ऊपर, यानी 15% पर तो ये 16,195 यानी कम हो जाता है, और 14% की रेट के ऊपर ये ज़्यादा होता है 255 रुपये। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 14% और 15% के बीच में कहीं रेट स्थित होगी IRR जो है। फिर अपना नेक्स्ट स्टेप आता है वो IRR कैलकुलेट करने का आता है। तो यहाँ पर अपनी LDR जो है वो कितनी हुई, 14%, HDR यानी हाई डिस्काउंट रेट हुई 15%। और अब हम जब IRR कैलकुलेट करेंगे तो अपने को ध्यान है कि P1 जो होता है वो लोअर डिस्काउंट रेट पर है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू हायर होती है 16,455। P2 जो है वो HDR के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू होती है,
हायर डिस्काउंट रेट पर प्रेजेंट वैल्यू होती है जो कि कम है, यानी 16,195 रुपये है। तो P1 में से Q तो 16,200 इनिशियल इन्वेस्टमेंट घटा दिया और ये P1 माइनस P2 कर लिया, तो इन दोनों का डिफरेंस और ये एस डी आर माइनस एल डी आर किया, तो ये अपने सामने है कि इसको जो है वो 14 + 255 × 1 = 260 जब अपन करते हैं तो ये 14.98% आता है, 14.98% हुआ, यानी 14 और 15 के बीच में आना चाहिए ये। तो अब ये इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रायल एंड एरर मेथड लागू करते हैं। अब मान लीजिए क्या हुआ कि जैसे ऊपर अपने ये लिखा था कि भाई ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू 16,195 हुआ, ये नेक्स्ट हायर रेट जब ली तो उसके ऊपर 16,195 आ गया। सपोज करो ये भी 15% के ऊपर भी, मान लीजिए हमने 15% से कैलकुलेशन किया 16,195 आया, लेकिन सपोज करो कि 15% के ऊपर भी ये 16,200 से ज़्यादा आता, ठीक है, चाहे 5 रुपये ही ज़्यादा आ जाता, तो हम नेक्स्ट हायर रेट यानी 16% लेते, तो फिर वो क्या होता कि 15 और 16 के बीच में कहीं आता, वहाँ पर फिर एच डी आर 14 नहीं होती, एल डी आर 15 होती। इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमारे नियरेस्ट वो टू रेट होनी चाहिए, बिल्कुल पास पास वाली वो दो रेट होनी चाहिए, जिस पर एक रेट के ऊपर तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो रहा है वो तो हायर डिस्काउंट लोअर डिस्काउंट रेट हो रही है, और एक हायर डिस्काउंट रेट होती है जिसके ऊपर इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कम प्रेजेंट वैल्यू आ रहा हो, बिल्कुल एकदम से कम आने वाला हो, तो उन दोनों के बीच को हम लेते हैं। ये ही ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। कई बार आपने एक रेट लिया, उस रेट से मान लीजिए वो नज़दीक नहीं आया उसके, या कम या ज़्यादा, तो फिर ऐसी स्थिति में उससे हायर रेट लेकर के अपन देखते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, अगर एक बार में इसका सोल्यूशन नहीं होता तो दो बार करते हैं इस प्रकार से, इसीलिए इसका नाम ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। यहाँ पर उपयुक्त में 14.98% हमारी वो एक्सपेक्टेड रेट या मिनिमम रेट होगी जो कि कमानी ही चाहिए, बल्कि इससे अधिक ही कमानी चाहिए, क्योंकि इस दर पर तो भावी अर्जनों का जो वर्तमान मूल्य है वो विनियोग के बराबर ही होता है। यानी ये वो रेट होगी जिस रेट पर जो भी अपने फ्यूचर अर्निंग्स हैं वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो रहे हैं। ये दर बताती है कि जो अर्जनें प्राप्त होंगी वो किस दर पर एट पार होंगी। तो इस तरीके से ये है, और एक्चुअल में ये रेट जितनी जिसमें ये IRR की इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिस संस्था के अपन ज़्यादा आती है जिस मशीन के ऊपर, हम उसी को अपन राइट करते हैं, क्योंकि इसमें अर्निंग है वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आएगी किसी भी संस्था के लिए। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट बात होती है इसके अंदर, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। ये तरीका बहुत सिंपल है एवरेज के हिसाब से, और अगर अपन इसको अलग अलग, अगर कैश इनफ्लोज हैं तो अलग अलग हिसाब से इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो आज बस आपके लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।